के दे दिए, मुस्कुरा के दे दिए और चल दिए। बुद्धि कौशल। हनुमान जी ने कहा कि रहने का तो बड़ा भव्य दिव्य स्थान, मंदोदरी परम सुंदरी नारी ललामा विश्राम कर रही थी, सो रही थी। हनुमान जी ने थोड़ी देर के लिए चिंतन किया कि मैंने अपनी माता जी के बारे में ये सुना है कि सुंदरता कह सुंदर करई, सुंदरता कह सुंदर करई, सुंदरता कह सुंदर करई, सुंदरता कह सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जन परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा, लेकिन मैं तनिया मन दोदरी नामा, मैं तनिया मन दोदरी नामा। तुलसीदास जी बोले हनुमान जी ये तो मैं तनिया मंदोदरी है। हनुमान जी ने कहा मैं भी महसूस कर रहा था कि मेरी माँ प्रभु श्री राम से दूर होने के बाद हनुमान तुझे सोते हुए नहीं मिलेंगी, तुझे रोते हुए मिलेंगी। लंका में वो सोते हुए नहीं रोते हुए मिलेंगी। और बोलो सीता जी रोते हुए मिली कि नहीं मिली? थोड़ी देर के लिए माताओं अब आप सावधानी से सुन लो मेरी बात। जीवन में यदि नारी कृत्रिम श्रृंगार करती है तो पति की उपस्थिति में करती है, ये शास्त्र कहता है। यदि कृत्रिम 16 प्रकार का श्रृंगार अगर इस देश की नारी करती है तो शास्त्र कहता है कि वो अपने पति को रिझाने के लिए करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि तुम श्रृंगार करती हो तो इस बात का ध्यान रखना कि पति की उपस्थिति होना चाहिए। पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रृंगार समाज को रिझाने के लिए नहीं पति को रिझाने के लिए किया जाता है, इसलिए पति की उपस्थिति अनिवार्य है। किशोरी जी ने 14 महीने तक श्रृंगार नहीं किया। ऐसी बात नहीं है कि अयोध्या से निकली तो श्रृंगार ही नहीं किया। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, बोलो सीता पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिकशिला अति सुंदर, श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन किसकी उपस्थिति में श्रृंगार हुआ? पति की उपस्थिति में श्रृंगार हुआ। लेकिन 14 महीने तक लंका में जब तक रही तब तक एक दिन भी श्रृंगार नहीं। कृष्ण सीस जटायक बेनी और जपत हृदय रघुपति गुणसेनी। पति यदि बाहर गया है तो भगवान से सदा प्रार्थना करती रहो कि हे प्रभु मेरा सिंदूर चमकता रहे और जहां भी मेरा पति हो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसके जीवन की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बोलो यही भगवान से वो प्रार्थना करती रहती है कि नहीं? जब तक पति लौट करके नहीं आ जाता है तब तक। और सत्य कहता हूं आप भारत की परंपरा बता रहा हूं, अब परंपरा बदल गई हो तो मैं क्या कह दूं भाई, तो विडंबनाएं हैं। पति की अनुपस्थिति में जो नारी का तेज होता है
व्यक्तित्व होता है वो चंद्रमा की तरह चमकता है पति की उपस्थिति में। और यदि पति दूर हो जाता है तो पति की चिंता में वो धीरे 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 अपने जीवन को अनमनक्षता की ओर ले जाती है। और सदा पति का चिंतन करते करते, चिंता युक्त चिंतन करते करते पति के आने तक का इंतजार करती रहती है। तो उसके चेहरे की कांति में ईमानदारी से बताओ अंतर दिखाई देता है कि नहीं देता है? अंतर दिखाई देता है। लेकिन सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना, यदि भारतीय नारी को भले ही किसी भी प्रकार की कहीं कोई खानदान में सुविधा ना मिले, किसी भी प्रकार की कहीं कोई भौतिक संसाधनों की सुविधा ना मिले, तो वो असुविधाओं में जी लेती है, लेकिन अपने पति के चरणों में अपना समर्पण करके अपने जीवन में सतीत्व की शक्ति का अर्जन करती रहती है और सदा उत्कर्ष को प्राप्त होती रहती है, सदा उत्कर्ष को प्राप्त होती रहती है। यह है पति पारायणता की शक्ति, इसको कहते हैं। यह भारत की नारी को सौभाग्य मिला है और अन्य किसी देश की नारी को यह सौभाग्य नहीं मिला है। और एक बात मैं कह रहा हूं आज विश्राम दिवस की पावन वेला में, एक समाधान दिए देता हूं। आज सबसे बड़ी विडंबना है, लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आज वर्तमान में हम अपनी बेटियों को शिक्षा की क्रांति में अगर आगे ले जाना चाहें तो हमें अपने गांव से, अपनी तहसील से, अपने जिले से, अपने मंडल से अलग भेजना पड़ेगा। बोलो भाई, आपकी बेटी पूना में पढ़ रही है, आपकी बेटी बेंगलोर में पढ़ रही है, आपकी बेटी बॉम्बे में पढ़ रही है, आपकी बेटी राजस्थान कोटा में पढ़ रही है, अगर शिक्षा की क्रांति में आपको दूर भेजना पड़ेगा कि नहीं? क्या यह संभव है कि जहां आपकी बेटी पढ़ रही है वहां माता पिता रह सकते हैं घर छोड़ के? आप कहते हो महाराज जी ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं, क्या शिक्षा से वंचित कर दूं अपनी बेटी को? नहीं नहीं, शिक्षा से वंचित नहीं करना है। बेटी को भी शिक्षाविद बनाओ और बेटे को भी शिक्षाविद बनाओ। श्रम और शिक्षा दोनों का समन्वय होना चाहिए। श्रम भी करो और शिक्षा को भी स्वीकार करो। ये नहीं कि केवल हम श्रमजीवी बने बुद्धिजीवी न बने, और ये भी नहीं है कि हम केवल बुद्धिजीवी बने श्रमजीवी न बने। श्रम और बुद्धि का समावेश होना चाहिए। बहुत बढ़िया चिंतन दे रहा हूं, हाँ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और समाधान भी कर रहा हूं, बहुत बढ़िया अक्षर सा समाधान दे रहा हूं। अब देखो समाधान कैसे मिलेगा, आपको नोट कर लेना, आपको मेरी बात सदा याद रहेगी कि कोई साधु आया था और अति रुद्र महायज्ञ में ऐसी बात कह गया था कि आज भी उस बात का आधार मान करके हम अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं और मर्यादित संचालन कर रहे हैं। वो कैसे? भगवती सीता अपने देश को छोड़ करके विषम परिस्थिति में गई, किसी की सहमति से नहीं गई, एक परिस्थिति जन्य स्थिति में गई। बोलो गई कि नहीं गई? लेकिन जब दूसरे देश में पहुंची, बोलो कोई शस्त्र साथ में लेके गई थी क्या? नहीं। क्या कोई सुरक्षा उनके साथ थी? नहीं। लेकिन 14 महीने अकेली लंका में रह करके पूर्ण सुरक्षित रही कि नहीं रही? निष्कलंकित जीवन रहा कि नहीं रहा? वो एक अलग बात है कि कोई उदाहरण मिल जाता है, कह देता महाराज वो फलाने अयोध्या के किसी ने कह दिया था वो ऐसा वैसा वैसा। अरे लालू यादव नरेंद्र मोदी को आए बाएं साएं बके तो क्या दोष? उसकी बात पर हम भरोसा करेंगे क्या? उसकी बात पर हम यकीन करेंगे कि लालू यादव ने अगर नरेंद्र मोदी का विरोध कर दिया तो हम माने कि साहब नरेंद्र मोदी लायक नहीं है, है? ये ना समझ लोग अगर किसी भी प्रकार की टिप्पणी उज्जवल व्यक्तित्व के ऊपर करते हैं तो समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए ऐसे लोगों का।
बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का जो केवल नकारात्मक सोच ही अपनाए हो अपने जीवन में, कभी सकारात्मक जिसका दृष्टिकोण ही न रहा हो, ऐसे लोगों का समर्थन करना सबसे बड़ा पाप होगा। इसलिए इस तरह के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर सीता माता के व्यक्तित्व के लिए अयोध्या का कोई एक ऐसा अपरिपक्व मस्तिष्क व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है तो प्रभु श्री राम तो कृपालु और दयालु हैं, उनके बारे में क्या कहना, उन्होंने क्या निर्णय लिया। लेकिन हम लोग उस रजक की बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं, समझ गए हो कि नहीं? उस रजक की बात पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं, ना हमारे विश्व की हिंदू धर्मालंबी सनातन धर्मालंबी जनता कर सकती है। हमारी माता सीता का चरित्र, उज्जवल चरित्र, 14 महीने तक लंका में आज अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित किए हैं। ना कोई शस्त्र था, ना सेना थी, कौन था? आपकी बेटी बेंगलोर में रह रही है, पूना में रह रही है, इंदौर में रह रही है, कोटा राजस्थान में रह रही है, जहां भी आपको उचित प्रतीत हो रहा है आप शिक्षा के लिए अपनी बेटी को वहां भेज रहे हैं। संभव नहीं है कि साथ में माता पिता रह सकें, लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूं भगवती किशोरी जी लंका में 14 महीने तक सुरक्षित रहीं, उज्जवल व्यक्तित्व उनका रहा और आज निष्कलंक जीवन जीती रहीं 14 महीने तक। किसके बल पर? ना सेना के बल पर, ना ही शस्त्र के बल पर, केवल अपने चरित्र के बल पर। हमारी बेटी कहीं भी रहे, चरित्र की शक्ति उसके साथ होना चाहिए। यदि चरित्र बल उसके साथ रहेगा तो हम निश्चित रूप से कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, हम अपने व्यक्तित्व को सदा सुरक्षित रखेंगे और अपने कुल को सदा निष्कलंकित रखेंगे और अपने व्यक्तित्व को वेदाग रखेंगे, यदि हमारे साथ हमारा चरित्र है। और चरित्र कौन देता है? माता पिता। चरित्र एक संस्कार से प्राप्त होता है, इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपना अपनी बेटी हो चाहे अपना बेटा हो, हम भले ही घर द्वार मकान दुकान व्यापार ना दे पावे, लेकिन अपनी संतान को चरित्र का संस्कार अवश्य देंगे, जिससे हमारा कुल उज्जवल रहे, हमारे भारत की अस्मिता सुरक्षित रहे। इसलिए बेटियां अपने कुल खानदान के करैक्टर और चरित्र को लेकर के अपने साथ कहीं भी रहें, उनका व्यक्तित्व सदा सुरक्षित रहेगा, लेकिन पश्चिमी कल्चर से प्रभावित ना हो। बस इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि पश्चिमी कल्चर से प्रभावित ना हो। एक बार हमसे कहने लगे लोग, महाराज जी आप बराबर पश्चिमी कल्चर का विरोध करते हैं। हमने कहा बिल्कुल करते हैं, करता रहूंगा। बोले महाराज जी नारी नारी एक समान, चाहे भारत की हो चाहे विश्व की हो, नारी नारी एक समान, इसमें अंतर की क्या बात? हमने कहा बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैंने कहा अंतर यह है, एक होता है मिट्टी का पात्र। मिट्टी का पात्र जैसे मिट्टी की प्याली, मिट्टी की प्याली देखी आपने, परई जिसको तुम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ परई क्या कहते हैं, कुल्हड़, कुल्हड़, कुल्हड़ होता है गहरा और प्याली होती है, परई होती है चौड़ी, क्यों परई, उसको क्या बोलते हैं, कुल्हड़, उसको भी कुल्हड़ कहते हैं क्या? पारा है, पारा, ठीक 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 ठीक, प्याली कह लो पारा कह लो, एक होता है मिट्टी का पारा प्याली, कुल्हड़ कह लो चाहे पारा कह लो, और एक होता है चीनी का पारा, चीनी का कुल्हड़, चीनी का कप, चीनी का कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़। अच्छा बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं? आप कहो प्रयोग में तो दोनों ही आते हैं, मिट्टी का कुल्हड़ भी प्रयोग में आता है और चीनी का कुल्हड़ भी प्रयोग में आता है, जिसको आप कप कहते हो, चाय पीते हो, है ना? लेकिन अंतर यही है, एक बार प्रयोग में मिट्टी का कुल्हड़ आता है, एक बार, दोबारा नहीं आता। आता है दोबारा कि धोधा के रख लेते हो कुल्हड़ को, फेंक देते हो ना, अलग कर देते हो कि नहीं? लेकिन जो चीनी का कप होता है
उसको एक बार नहीं कई बार आप प्रयोग में लाते हो कि नहीं लाते हो, लाते हो कि नहीं, क्योंकि वो हमेशा पवित्रता का ढिंढोरा पीटता है कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। लेकिन मिट्टी का कुल्लड़ कहता है खबरदार, एक बार ही मैं किसी का स्पर्श करूंगा, दोबारा टूटना पसंद करूंगा, लेकिन दूसरे के मुंह से लगना पसंद नहीं करूंगा। खबरदार अगर तुमने साहस किया। भारत की नारी का करैक्टर चरित्र मिट्टी के कुल्हड़ के समान है, भारत की नारी का चरित्र मिट्टी के कुल्हड़ के समान है, और विदेशी नारी का चरित्र चीनी के प्याले के समान है, चीनी मिट्टी के कप के समान है। एक बार जिसका वर्ण कर लेती है मंडप के नीचे, एक बार जिसका वर्ण कर लेती है अग्नि को साक्षी करके, जिसका वर्ण कर लेती है समाज को साक्षी करके, जिसका वर्ण कर लेती है देवताओं को साक्षी करके, जिसका वर्ण कर लेती है पृथ्वी मां को साक्षी करके, जिसका वर्ण कर लेती है, अंत तक उसी के चरणों में समर्पित रहती है, मरना पसंद करती है लेकिन दूसरे को स्वीकार करना पसंद नहीं करती है, केवल एक के चरणों में ही उसका समर्पण और उसका मरण दोनों ही होता है। समर्पण भी एक के चरणों में और मरण भी एक के ही चरणों में होता है। इसलिए माताओं, आज मैं इस मंच से आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी मांग का सिंदूर सदा चमकता रहे और आपका पातिव्रत धर्म यज्ञ भगवान की कृपा से सदा सुरक्षित रहे, और इस राष्ट्र को संबल देने के लिए आपका ये पातिव्रत धर्म शक्ति की पराकाष्ठा बन करके राष्ट्र को मजबूत करता रहे, मजबूती देता रहे। हमारा यही आप सबके लिए आशीर्वाद है, आप सबके लिए यही मेरा कहना है। तो जीवन में तीन सजावत देश को सती शांति और शूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर, तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। आपको मालूम होना चाहिए तीन ही सजाते हैं ना देश को, संत सती और शूर। हमारे संत जी पधार रहे हैं, देखो स्वामी श्री राम प्रियदास जी महाराज, ये इस समय अयोध्या माझा मंदिर के श्री महंत हैं और बड़े ही भजनानंदी संत हैं, हमारे बहुत पुराने 40 साल पुराने परिचित के संत और बड़े ही संत सेवी, बड़े ही विनम्र, बड़े ही दिव्य महापुरुष पधारे, उनका स्वागत है और अपने संत मंडली के साथ वो पधार रहे हैं, आए विराजें उनका स्वागत। तो आज सभी संत पधार रहे हैं, जय हो जय। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ, तो मन की एकाग्रता, यह है भारतीय नारी के व्यक्तित्व का दिग्दर्शन, जो आज भगवती सीता ने लंका में रहकर 14 महीने की कठिन तपस्या करके आज पूरे विश्व को विश्वस्त कर दिया है। इसलिए ध्यान से सुनना, हनुमान जी ने कहा बस मेरी माँ तो रोती हुई मुझे मिलेगी, और बोलो माता जी का दर्शन रोता हुआ हुआ कि नहीं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली, परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन, कृष्ण शीस जटायिक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेय, जपत हृदय रघुपति गुणश्रेणी। बार बार नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है,
प्रभु के श्री चरणारविंदों का ध्यान कर रही हैं। हनुमान जी ने दर्शन किया, प्रणाम किया, परम दुखी हो गए। आप कहोगे महाराज लंका कांड, अरे लंका में पहुंच गए कि नहीं, कांड हुआ कि नहीं, पहुंच तो गए।